हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 डिफरेंट वॉल डेकोर आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी यूनिक है एंड काफ़ी इजी भी है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ न्यूज़पेपर और इसे मैं हाफ फोल्ड कर लूँगी एंड अगेन इसे हम फिर से एक बार फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे और अब हमें इसे एक स्ट्रॉ बनाना है। तो इस तरीके से फेविकॉल मैं बीच में लगा दे रही हूँ ताकि ये खुले ना, और इस तरीके से फोल्ड करते करते हमें एक परफेक्ट स्ट्रॉ बना लेना है। तो ये हमारा पेपर स्ट्रॉ रेडी है और हमें और भी काफ़ी सारे रेडी करके रख लेना है। और अब मैं यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ और 8 सेंटीमीटर में हमें स्ट्रॉ कट करना है और इस तरीके से हमें 6 पीसेस कट करना है। और अब हमें 15 सेंटीमीटर का 2 स्ट्रॉ कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे एक शेप रेडी करना है। तो जो 8 सेंटीमीटर वाला छोटा स्ट्रॉ था उसे मैं स्टिक कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, और लास्ट में हम बड़ा वाला 15 सेंटीमीटर वाला स्ट्रॉ स्टिक करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक हार्ट शेप रेडी करना है और सारे जॉइंट्स में हम फेविकॉल लगा देंगे ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे। अब मैं कुछ इस तरीके से पैटर्न बना रही हूँ और हमें सारे स्ट्रॉ को फेविकॉल से स्टिक करते जाना है। तो हमें कुछ इस तरीके से इसे चिपकाना है और अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो चलिए करते हैं इसे पेंट। पेंट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ और अपने इस आर्ट पीस को हम पूरे अच्छे तरीके से पेंट कर लेंगे। तो अब ये कम्प्लीटली पेंट हो चुका है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की ओर। तो उसके लिए मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड और अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब हमें इसे कट कर लेना है और कट हो जाने के बाद कार्डबोर्ड के ऊपर वाले लेयर को मैं निकाल दूंगी और इसके सेकंड वाला लेयर काफ़ी अच्छा होता है, मतलब एक अलग सा टेक्सचर टाइप्स होता है और इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगता है। तो एक मैंने ये हाफ सर्कल कट किया है और इसका भी ऊपर वाला लेयर निकाल के हमें इस तरीके से इसे रेडी कर लेना है। तो 3 हमें ट्रायंगल कट करना है और 2 हमें हाफ सर्कल कट करना है। अब हम इसे पेंट करेंगे। तो पेंट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो आज के सारे DIYs में मैं सेम कलर ही रखने वाली हूँ, ब्लैक कलर। तो मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि मैं जितना भी DIYs बनाऊँ वो मैं एक कलर का ही करूँ, तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं ब्लैक कलर ही यूज़ कर रही हूँ। तो पेंट हो चुका है। तो अब मैं ले रही हूँ ये थ्रेड और पता नहीं ये कौन सा थ्रेड है, मुझे नाम नहीं पता, और ये काफ़ी स्ट्रांग था तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। आप इसके जगह पे वूल का भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई स्ट्रांग अदर थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं ले रही हूँ ये बड़ा वाला बीड्स और इसे मैं बीच में फिक्स करूँगी। तो थ्रेड को हम बीड्स में इंसर्ट कर लेंगे और अगेन थ्रेड को बीड्स में इस तरीके से इंसर्ट करके हम इसे लॉक कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स रहे। अब हमें ये हाफ सर्कल लेना है और अब हम इसे स्टिक करेंगे, मतलब पहले हमें ट्रायंगल, फिर बीड्स, फिर हाफ सर्कल, फिर बीड्स, फिर ट्रायंगल, इस तरीके से हमें अरेंज करना है। अब हमें उसी थ्रेड का लूप बना लेना है ताकि हम अपने इस आर्ट पीस को हैंग कर सकें और अब हम उसे स्टिक कर लेंगे। मैंने सारी पीस को सेलो टेप से ही चिपका लिया है क्योंकि ये DIY इतना लाइट वेट है कि ये आराम से सेलो टेप से भी रह जा रहा था। आप चाहो तो इसके जगह पे मास्किंग टेप भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई अदर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। Thank you.
तो अब बढ़ते हैं थर्ड DIY की ओर। तो उसके लिए हमें चाहिए फिर से ये पेपर स्ट्रॉ। तो दो स्ट्रॉ को हमें इस तरीके से स्टिक कर लेना है। उसके बाद हमें कोई भी पतला सा कार्डबोर्ड चाहिए और उसमें हम एक सर्कल कट कर लेंगे। तो हमें इस तरीके से इसे कट करना है और ग्लू लगा के हमें इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। और बाकी स्ट्रॉ को भी हमें अरेंज कर लेना है। तो इस तरीके का वॉल डेकोर मैंने ऑनलाइन देखा था जो कि मेटल का था और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी था। तो मैंने सोचा कि ये तो मैं खुद से ही घर पे बना लूँगी और बिना पैसे खर्च के मैंने पेपर का ही सेम बना लिया। तो ये LOVE लव बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे होने देंगे ड्राई और ड्राई होने के बाद हम इसे करेंगे पेंट। तो ये अब कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और अब हम इसे करेंगे पेंट। तो पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का ही यूज़ कर रही हूँ और ये ब्लैक कलर में ही काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, कोई अदर कलर में ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने ब्लैक कलर ही इसमें भी दिया है। तो मैंने इसे कर लिया है पूरा पेंट और ये सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब इतना इजी और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैंने सेम टू सेम उस मेटल वाले टाइप्स का बना लिया है और ये लग ही नहीं रहा था कि ये पेपर का है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आप इसे डबल साइडेड टेप से भी स्टिक करके अपने वॉल को डेकोर कर सकते हो, पर ये इतना लाइट वेट था कि मैंने ट्रांसपेरेंट टेप से ही इसे स्टिक कर लिया था। तो आपको इन तीनों DIYs में से सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, ये काफ़ी यूनिक भी है। तो वीडियो पसंद आए तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।